दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। तो फिलहाल आज मैं आया था ओखला बर्ड सेंचुरी, जहाँ बर्ड तो नहीं है क्योंकि जो सीजन में आना चाहिए था वो सीजन में मैं आया नहीं। मतलब दिसंबर से फेब का अच्छा सीजन कहते हैं, मतलब जो आशाएं थी कि देखने को मिलेगा उल्टा ही है। भैया कपल्स बहुत है, फैमिली के लिए तो पार्क ये सही नहीं है। सिंगल हाउस ठीक है, बाकी कपल्स भरे पड़े हैं। बाकी यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ का नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है, सुंदर है। यहाँ तरह तरह के पेड़ हैं, पक्षियाँ हैं कई सारे, मतलब माइग्रेशन बर्ड्स जो होती हैं सारी यहीं पे मिलती हैं। मतलब उनका टाइम होता है एक, जो टाइम निकल चुका है। व्यू देखो यहाँ से, क्या सीन लग रहा है भाई, गांव की याद आ गई यहाँ से। तो यहाँ का सीन है ना, वो देखकर सुकून सा मिलता है। लेकिन जो भी है, यहाँ का व्यू काफी बढ़िया है। मतलब मुझे तो गांव की याद आ गई यहाँ, यहाँ का सीन देखकर। टोटली हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये फैमिली पार्क नहीं है, आ सकते हैं ठीक है, क्योंकि जगह बहुत बड़ा है ना, कहीं पे भी बैठा जा सकता है। फ्रंट में वैसे कोई नहीं बैठता, फ्रंट में मैं बैठा था अभी, गेट में जैसे एंट्री हुई वहीं पे। और यहाँ आने के लिए भाई साहब, हुआ ऐसा कि ओखला बर्ड सेंचुरी उतरने के बाद यहाँ मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली मैं जाना कहाँ है। मतलब जाना तो यहीं था मुझे, ओखला बर्ड सेंचुरी, लेकिन मेट्रो स्टेशन है ओखला बर्ड सेंचुरी। वहां मैंने पूछा कि भाई ये है कहाँ, मेरे को एग्जैक्ट बार बार वही बता दे रहे हैं, भाई यहीं खड़े हैं हम, यहीं खड़े हैं। मतलब मेट्रो स्टेशन का लोकेशन वो बता रहे हैं। अब एक्चुअली मैं, किसी को पता नहीं था कि ये जो है जगह इस साइड है। अब पता होगा शायद, मैंने उन्हें उस तरीके से बताया नहीं या पूछा नहीं। तब फिर जाकर मुझे पुलिस वालों से पता लगा कि हाँ उस साइड है, रोड के नेक्स्ट साइड। तब जाकर मैं यहाँ पे पहुंच पाया। 500 मीटर की दूरी के आसपास है यहाँ जो है, ऑटो वाले 100 रुपए के आसपास मांगते हैं। यहाँ वैसे तो जंगली भालू वैसे बड़े बड़े जानवर नहीं मिलने वाले हैं, पर छोटे छोटे पक्षी हैं। और अभी देखो एक मिलाता हूँ मैं बकरे से, बकरा है यहाँ पे। हेलो, वाह क्या बात है, स्वाद ले रहा है पत्तों का, मार देगा ये, लग रहा है मेरे को। सिंह इसके बहुत मोटे हैं। तो आई थिंक ये बात करने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, दूसरे से मिलते हैं, यहाँ बहुत से हैं। यहाँ से अगर सामने देखे ना, कितना बढ़िया सीन है, मतलब मूवी वाला सीन लग रहा है। वैसे फोन में दिख रहा होगा या नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन रियलिटी में काफी बढ़िया है। गुस्से में लग रहा है भाई, नुकीले सिंह जो है पेड़ में डाल रहा है, मतलब क्या समझू मैं इसका। ठीक है भाई, दूर हो जा रहा हूं मैं, कहीं मेरे को पेल देगा ये पूरा छील दिया पेड़ के खाल यार। हेलो मिस्टर गोट, नहीं मिस्टर नहीं, मिसेज, मिस्टर ये है भाई। यहाँ भी कपल है देखो भाई ये दोनों भी वही है, बकरा बकरी, बकरा है ये बकरी। और हाँ एक सजेशन है, अगर यहाँ आओ आप तो खाना लेकर आना, क्योंकि यहाँ जो है बैठकर खाने का मजा ही कुछ और आएगा। खाने में क्या, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको पसंद हो, मजा आएगा। क्योंकि भूख भी मुझे लगी है, मुझे लग रहा था खाना लाना चाहिए था मुझे, बट कोई ना, पानी है मेरे पास, उसे पी के अभी काम चलाते, बाहर चलेंगे तो खाएंगे। क्योंकि अंदर कुछ नहीं है खाने के लिए, अंदर कोई दुकान नहीं है। यहाँ पे एंट्री के लिए 30 रुपए लगते हैं, 30 रुपए में यहाँ एंट्री होती है। अब पता नहीं कपल रहते हैं तो उनका भी शायद 30 ही लगता होगा, क्योंकि मैं जैसे ही एंट्री करा उन्होंने पूछा कितने लोग है, मतलब भाई मैं ही हूँ और कौन है। मीन्स दैट कि यहाँ सिंगल कोई नहीं आता, दो या तीन या चार या पूरे फैमिली यहाँ आते हैं। ऐसा लगता है मौसम बिगड़ने वाला है, तो थोड़ा आगे चलते हैं। तो वैसे आया तो मैं इधर था एग्जाम देने के लिए, जो कि फॉर्मल ड्रेस में था मैं। ये देखो पूरा ऑफिशियल ड्रेस है, और यहाँ आ गया। गूगल पे सर्च पहले कर रखा था मैंने, इसका सोच रखा था यहाँ आऊंगा, इसलिए भाई आ गया मैं। ये गोल है लग रहा है मेरे को, वाइड नहीं है ज्यादा, मतलब ज्यादा घना नहीं है ये, बस
सीधा चलते जाओ और कुछ नहीं, सीधा चलते जाओ।